वेलकम डियर ऑकर्ड्स, आज की रीजनल मूवी का नाम है जमोटे सुविशेषंगल और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गुड फिल्म मलयालम फिल्म है। तो मूवी की शुरुआत विंसेंट को दिखाते हैं जो त्रिशूर की बहुत बड़ी कंपनी विंसेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक है। मूवी का हीरो जोमोन इनका बेटा है। उनके लेफ्ट में खड़ा है जोमोन का भाई अल्फोंस और राइट में बड़ा भाई जोजी। अल्फोंस डॉक्टर है और अपने ससुर के हॉस्पिटल में काम करता है। उसकी पत्नी भी वहीं पर काम करती है। वे रियल एस्टेट बिजनेस भी करते हैं। जोजी का बड़ा भाई अपना बिजनेस संभालता है। वे सब विंसेंट की बेटी की शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। दूल्हे और दुल्हन को चर्च में लाने का काम जोमोन के अंकल को दिया गया है। अंकल की पत्नी मेयर है और अंकल ऑफिस का पियोन। पर मेयर के पीठ पीछे अंकल घूस लेकर कई इलीगल काम भी करते हैं। जब विंसेंट का फोन आता है तो वो कहता है दूल्हे और दुल्हन को लाना मेरा काम नहीं, जोमोन का काम था। तभी जोमोन की भाभी उसे कॉल करती है, लेकिन वो कोयम्बटूर में कुछ जरूरी चीजें खरीदने आया होता है। काम के बीच में वो आती जाती लड़कियों को देख रहा होता है। अब उसकी भाभी उसको वार्न करती है कि लड़कियों को ताकने के बजाय सारी चीजें खरीद कर सीधे यहाँ आ जाओ। जोमोन एटीएम से पैसे निकालना चाहता है कि अचानक उसका दोस्त मुश्ताक उसे सरप्राइज करता है और कहता है कि यार अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दे, मैं तुम्हें अपने बीएमडब्ल्यू में एक अच्छी जगह पे लेके जाऊंगा। फिर क्या, दोनों उसकी कार में बैठकर एक बार जाते हैं। जोमोन पूछता है तुम तो शहर छोड़कर भाग गए थे ना, फिर आज ये बीएमडब्ल्यू, इतना सारा पैसा वगैरह कैसे मिला? मुश्ताक बताता है कि यहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे पैसे दिए, उन पैसों को लेकर मैं त्रिपुरा गया और एक गारमेंट्स फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया। मेरी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई और मैं अमीर बन गया। मैं तुम्हें भी मालामाल बना सकता हूँ। पर अब जोमोन को उसकी बहन की शादी के लिए देर हो चुकी है और उसे तुरंत लौटना पड़ता है। तभी पुलिस उनको रोकती है और ड्रिंक एंड ड्राइव चेक करती है। दोनों को स्टेशन में बिठा दिया जाता है। इसी बीच जोमोन की बहन की शादी भी हो जाती है। जोमोन घर आता है और अपनी बहन को सूखा हुआ गजरा देकर कहता है हैप्पी मैरिड लाइफ। फिर वो अपनी बहन और बहनोई के साथ सेल्फी भी लेता है, क्योंकि वो मैरिज में तो था नहीं, फोटो कहाँ से आनी है। बाहर विंसेंट गुस्से में खड़ा होता है कि इस नालायक से एक भी काम ठीक से नहीं होता। पर जोमोन विंसेंट को किस करके आई लव यू पापा ये कहकर भाग जाता है। अगले दिन जोमोन कार वॉश कर रहा होता है कि अल्फोंस आकर उसको एडवाइस देता है, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो, बहन की शादी का भी ख्याल नहीं रहा तुम्हें। देखो भैया, तुम बड़े एमपीए बने फिरते हो, लेकिन एमबीए के चक्कर में तुमने पापा के 70 लाख रुपए उड़ा दिए। मुझे उतने पैसे मिलते तो मैं तो अच्छा बिजनेस कर लेता। इतने में जोजी भी आकर अपने छोटे भाई को एडवाइस देने लगता है। तभी जोमोन की बड़ी भाभी कहती है कि आज बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन के लिए जाना है, पर जोमोन कहता है कि मैं आज बिजी हूँ। ऐसा कौन सा तीर मारने जा रहे हो जो बिजी रहोगे? घर का सिक्योरिटी गार्ड तक उसको एडवाइस करने लगता है। तभी जोमोन अपने कुत्ते से कहता है तू क्यों चुप है, तू भी कोई एडवाइस दे दे मुझे। कुत्ता भी अपने हिस्से का भौंकने लगता है। फिर जोमोन अपनी बड़ी भाभी और उनके बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जाता है। ये अल्फोंस के ससुर का हॉस्पिटल है। भाभी और बच्चों को छोड़कर जोमोन अपनी छोटी भाभी से मिलता है और फिर बाहर जाने लगता है। तभी अल्फोंस के ससुर दूसरे डॉक्टर्स को बता रहे होते हैं कि विंसेंट फैमिली में सभी बड़ी पोजीशन पर हैं और बिजनेस चलाते हैं, लेकिन सिर्फ ये जोमोन ये एक नालायक है। अब वो अपने इंसल्ट सह नहीं पाता और कोई बहाना करके वहाँ से चला जाता है। इस तरह हर किसी के एडवाइस के बीच बेचारे जोमोन की घिसी पिटी लाइफ चल रही होती है। अगले सीन में विंसेंट अपने दोस्त के साथ कार में होता है और बताता है मैंने एक प्लॉट खरीदने के लिए टोकन एडवांस दे रखा है, वहाँ एक अपार्टमेंट बनाना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। बातों बातों में वो बताई देता है कि 555 सिगरेट मेरा सबसे फेवरेट ब्रांड है। तभी जोमोन का अंकल गाड़ी रोककर उसे बताता है कि उस प्लॉट का ओनर मर गया है और उसका बेटा प्लॉट बेचना ही नहीं चाहता। विंसेंट उस ओनर के घर पर जाता है और उनके दुख में शामिल होता है। मरे हुए आदमी का बेटा पूछता है तो विंसेंट बताता है मैंने तुम्हारे पिता को प्लॉट का एडवांस दे दिया था। वो कहता है कि मैं एडवांस लौटा दूंगा लेकिन प्लॉट कभी नहीं बेचूंगा। अब विंसेंट निराश होकर बाहर आ जाता है, लेकिन कुछ ही देर में ओनर का बेटा कॉल करके कहता है कि सर मेरे पापा सिर्फ 10 एकड़ बेचने वाले थे, लेकिन मैं पूरे 25 एकड़ बेचना चाहता हूँ, अगर आप पूरा लैंड खरीद सकते हैं तो मैं बेचने को तैयार हूँ। और फिर विंसेंट खुश होकर लैंड खरीद लेता है। एक दिन जोमोन अपने पापा को बटर लगाता है कि पापा आप सच में बहुत हैंडसम दिखते हो। अरे बेटा जो चाहिए साफ साफ मांग लो ना, इतना झूठ बोलोगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। अब जोमोन एक बाइक मांगता है। जब कार है तो फिर बाइक क्यों चाहिए? नहीं पापा, कार एकदम बोरिंग है, मुझे तो बाइक ही चाहिए। अगले दिन वो फिर पापा को मनाने के लिए उनका सबसे फेवरेट शर्ट लाकर देता है। आखिर विंसेंट मान जाता है और कहता है कि सिर्फ इतना प्रॉमिस करो कि हेलमेट के बगैर गाड़ी नहीं चलाओगे, तुम अपनी मर्जी की गाड़ी खरीद लो और बिल मेरे ऑफिस में पहुंचा देना। ये सुनकर जोमोन एकदम खुश हो जाता है, लेकिन जब बिल आता है तो विंसेंट एकदम चौंक जाता है। बाइक का दाम 18 लाख रुपए। जब जोमोन घर लौटता है तो सब डांटते हैं कि इतनी महंगी बाइक क्यों ली। जोमोन कहता है कि मुझे पापा के स्टेटस का ख्याल रखना था, इसीलिए इतनी महंगी गाड़ी ले ली। विंसेंट गुस्से में कहता है कि कल से हमारे ट्रांसपोर्ट बिजनेस को तुम ही संभालोगे, समझे, तभी तुम्हें पैसों की कीमत समझ में आएगी। अगले दिन जोमोन ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाता है और वहाँ के अकाउंट्स को चेक करता है। फिर एक बस में चढ़कर लड़कियों से फ्लर्ट करने लगता है। इतना ही नहीं, वो ड्राइवर को साइड में बिठाकर खुद बस चलाकर मजे लेता है। पर तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है, क्योंकि उसके पास तो बस ड्राइविंग का लाइसेंस है ही नहीं। उसके अंकल उसे पुलिस स्टेशन से छुड़ा कर लेके आते हैं और कहते हैं कि अगर मैं ना होता तो हमारे ट्रांसपोर्ट बिजनेस का लाइसेंस ही
कैंसिल करवा देता आपका ये सुपुत्र। अब विंसेंट अपने बेटे को डांटता तो नहीं है, लेकिन कहता है तुम कई दिनों से चर्च नहीं आए, अब से हर हफ्ते तुम चर्च जाओगे और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाओगे, समझे, वरना हमसे बात भी मत करना। जोमन चर्च जाता है, लेकिन वहाँ जब सभी चुपचाप रहते हैं तो जोमन एमएनएमएन कहकर सभी को हंसा रहा होता है। प्रेयर के बाद वो चर्च से बाहर निकलता है तो कैथरीन नाम की लड़की को देखता है और उसको देखते ही पहली नजर में प्यार हो जाता है। फिर कैथरीन को देखने के लिए वो हर रोज चर्च जाता है। उसकी भाभी भी जान जाती है और उसकी मदद करने का फैसला करती है। वे बताती है कि तुम्हारी ड्रीम गर्ल का नाम कैथरीन है और वो भी हमारी तरह एक अमीर घर की लड़की है। फिर भाभी और जोमन का अंकल मिलकर एक प्लान बनाते हैं। कैथरीन हमेशा एक ब्यूटी पार्लर में जाती है। इस इन्फॉर्मेशन को लेकर जोमन की बड़ी भाभी उस पार्लर में जाकर कैथरीन से कैजुअली बात करती है और दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। जब ये बाहर आती है तो प्लान के मुताबिक कैथरीन की कार को ब्लॉक करके एक कार खड़ी होती है। फिर भाभी उसे अपनी कार में ड्रॉप करने का वादा करती है और कार को ड्राइव कर रहा है और कौन, अपना हीरो जोमन। भाभी तो मॉल में शॉपिंग करने के लिए उतर जाती है और जोमन को कैथरीन से बात करने का मौका मिल जाता है। कैथरीन को घर ड्रॉप करके वो घर जाता है। अगले दिन विंसेंट जोमन को अपने मेंस कलेक्शन स्टोर में लेके जाता है और कहता है आज से तुम ये स्टोर संभालोगे, समझे। अगले दिन से जोमन टेनिस भी खेलने जाता है क्योंकि कैथरीन भी वहां पर आती है। इस तरह रोज मिलकर वे और भी क्लोज होते जाते हैं। अगले सीन में विंसेंट का बर्थडे सेलिब्रेशन बड़े शान से होता है। पार्टी के बाद बड़ी भाभी जोमन से कहती है इस पार्टी में मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं कि क्या बताऊं, इसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। जोमन भी कहता है कि हाँ मैं जरूर दे दूंगा। हालांकि ये लोग साथ रहते हैं लेकिन जब पैसों और प्रॉपर्टी की बात आती है तो इनमें झगड़े शुरू हो जाते हैं। कुछ दिन बाद विंसेंट अपने मेंस कलेक्शन स्टोर में जाता है तो वहाँ का मैनेजर ओनर बनकर बैठा होता है। वो बताता है कि जोमन ने 40 लाख रुपए में ये शोरूम मुझे बेच दिया है। विंसेंट बहुत दुखी होता है क्योंकि मैनेजर जानता है कि इस स्टोर की कीमत 70 लाख से कम नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कम दाम में इसको खरीद कर विंसेंट को धोखा दे दिया था। विंसेंट बहुत दुखी होकर बाहर आता है और अपने नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर जाता है, पर वहाँ पर भी कोर्ट के ऑर्डर से काम रुका हुआ है क्योंकि बिल्डर ने क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लिया होता है। इस तरह विंसेंट को यह दूसरा झटका लगता है। वो अपने दोस्त को बताता है कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है यार, इसे पूरा करने के लिए मैंने स्वामी नाम के आदमी से उधार भी लिया है और उसके पास अपना घर गाड़ी बिजनेस सब कुछ गिरवी रख दिया है। अब ये बात सुनकर दोस्त को बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या पागल बनकर रखा है तुमने। अगले दिन ऑफिस में अपार्टमेंट के बायर्स विंसेंट को कोसते हैं कि उसने पैसे लेकर उन सबको धोखा दे दिया है। इतने में पुलिस आकर विंसेंट को अरेस्ट कर लेती है, पर उसका दोस्त कहता है कि वो प्लॉट मेरे नाम पे खरीदा गया था इसलिए आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, विंसेंट को नहीं। इस तरह विंसेंट का दोस्त उसको बचाता है और खुद अरेस्ट हो जाता है। विंसेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज अब सील कर दी जाती है। ऊपर से स्वामी के आदमी घर पर आकर विंसेंट को वार्निंग देते हैं कि आपको एक हफ्ते के अंदर ये घर खाली करना होगा। इस पर विंसेंट और उसके बेटों और बहुओं के बीच काफी बहस भी होने लगती है। विंसेंट के बेटों के पास अपना अलग अलग घर और बिजनेस है, इसलिए विंसेंट कहता है कि तुम सभी अपने घर जाओ और अपना काम संभालो, मैं और जोमन किसी तरह मैनेज कर ही लेंगे। और तभी जोमन आकर कहता है कि पापा पैसे हम फिर से कमा लेंगे, आप मेरे साथ त्रिपुर चलिए। पहले तो विंसेंट को उस पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने बिना वजह बहुत सारे पैसे उड़ा दिए थे, लेकिन फिर वो जोमन की बात मान ही लेता है। अब जोमन अपने पिता को मुस्ताक से मिलवाता है। वो बताता है कि उसने अपनी बाइक बेच दी है और स्टोर बेचकर मिले हुए पैसों से उसने मुस्ताक के साथ मिलकर गारमेंट्स बिजनेस शुरू किया है। अब अपने बेटे में अचानक ऐसा बदलाव देखकर विंसेंट में एक नई ताकत आ जाती है और उसको फिर एक उम्मीद जागती है कि वो दोबारा पैसे कमा लेंगे। खुशी से वो एक सिगरेट स्मोक करता है। इतना ही नहीं, वो घर पर रहकर जोमन के लिए अच्छा खाना बनाकर देता है। इस तरह उनकी लाइफ फिर से चलने लगती है। एक दिन जोमन ऑफिस जाता है तो टेबल पर कई बिल्स पड़े होते हैं। उन्हें देखकर जोमन चौंक जाता है कि ये किस चीज के होंगे, और तब पता चलता है कि मुस्ताक बिजनेस के नाम पर बेधड़क फिजूल खर्ची कर रहा था। ऑर्डर लेने के लिए वो जहाँ भी जाता सिर्फ लग्जरी होटल में ठहरता और कॉस्टली गाड़ियां रेंट करता था। इन भारी बिल्स की वजह से उसका एक छोटा सा बिजनेस ठप होने वाला है और किसी और के साथ जाने वाला है। अब जोमन को इतना गुस्सा आता है कि वो मुस्ताक की जान के पीछे पड़ जाता है। वो उस पर चिल्लाता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुस्ताक कहता है कि यार मैं तुम्हें सच बताने वाला था। अब ये सुनकर जोमन को और गुस्सा जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। वो घर लौटता है लेकिन विंसेंट को कुछ नहीं बताता कि वहाँ क्या क्या हुआ है। फिर किसी मीटिंग में जाने के बहाने वो अपने भाइयों से मदद मांगने जाता है, पर उसकी बड़ी भाभी कहती है कि तुम पापा को यहाँ ले आओ, हम देख लेंगे। जोमन कहता है कि आप लोग उनके हर सिगरेट पैकेट का हिसाब मांगेंगे और आखिर में उन्हें किसी वृद्धाश्रम में भेज देंगे। आप सबको तो सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है, पर फिक्र मत कीजिए, पापा मेरे साथ ही रहेंगे। ये कहकर जोमन चला जाता है। फिर वो कैथरीन को कॉल करता है तो वो उसको अपने घर पर बुलाती है। पहले तो जोमन मना करता है लेकिन फिर उसे कैथरीन की बात माननी पड़ती है। उसके घर पर उसके पापा जोमन को हेलो तक नहीं
नहीं कहते और अपना गेम खेल रहे होते हैं। तभी कैथरीन की माँ उसे अंदर ले जाकर डांटती है कि इस लड़के को भूल जाओ, इसकी फैमिली कर्ज में डूबी हुई है और ये सिर्फ पैसों के लिए तुमसे प्यार करता है। ये सभी बातें जोमन को सुनाई देती है और वो ऊपर जाकर कहता है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फिर वो कैथरीन को अकेले मिल जाकर कहता है कि यही मेरी सच्चाई है, इसलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, ये कहकर वो चला जाता है। इसके बाद जोमन कई जगहों पर इंटरव्यू देता है। एक दिन उसका एक दोस्त जो एक कंपनी में मैनेजर है वो उसको अपनी कंपनी में मार्केटिंग जॉब देता है। एक दिन वो फिर मुश्ताक को देख लेता है लेकिन उसे इग्नोर करता है। पर मुश्ताक कहता है कि इस बार मैं सच में एक अच्छा बिजनेस प्रपोजल लेकर आया हूँ, हम हैंड वीविंग किए हुए कपड़े खरीद कर उन्हें अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। बहुत कोशिश के बाद जोमन उसके साथ काम करने को तैयार हो जाता है। दूसरी ओर विंसेंट पेरुमाल नाम के आदमी से मिलता है और झट से दोनों की दोस्ती हो जाती है। विंसेंट अपने नए दोस्त को जोमन की कंपनी में लेके जाता है पर वहाँ पता चलता है कि अब ये कंपनी जोमन की है ही नहीं। विंसेंट को बहुत बड़ा झटका लगता है और दुख भी होता है कि उसके बेटे ने उससे ये बात छुपा के रखी। घर जाकर वो खूब स्मोक कर रहा होता है। जोमन के लौटने पर वो पूछता है कि बेटा कंपनी का काम कैसा चल रहा है। जोमन झूठ बोलता है कि यह बहुत अच्छा चल रहा है पापा। तब विंसेंट झट से उसको थप्पड़ मारकर कहता है कि मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो पापा, बहुत पहले से परेशान थे इसलिए मैं आपको और दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, मुश्ताक की वजह से मुझे वो कंपनी किसी और को देनी पड़ी। विंसेंट अब कहता है कि हम सबसे पहले फ्लैट खाली करेंगे और किसी छोटे घर में किराए पर रह लेंगे, तुम फिक्र मत करो बेटा। तुम्हें पता है मेरे पास पहनने को दो जोड़ी कपड़े भी नहीं थे जब मैंने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की थी। अपनी मेहनत से मैंने विंसेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाई थी। तुम और मैं मिलकर दोबारा जीरो से शुरू करेंगे और देखना हम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। अब विंसेंट की ये बातें जोमन का आत्मविश्वास अलग ही लेवल पर बढ़ा देती है। फिर वो दोनों एक छोटे से घर में रहने का डिसाइड करते हैं। कुछ दिनों में जोमन को एक बड़ी कंपनी का ऑर्डर मिलता है लेकिन उसे काम के लिए चेक नहीं मिलता, इनवॉइस मेल भेजने के लिए उसके पास इंटरनेट भी नहीं होता, इसीलिए वो उस कंपनी में जाकर वाईफाई पासवर्ड मांगता है ताकि उन्हें मेल कर सके। लेकिन अकाउंटेंट देवा की पासवर्ड ही नहीं देती क्योंकि जोमन कंपनी का स्टाफ नहीं है। तभी कंपनी का मैनेजर जो जोकर लगता है उसको देखते ही जोमन को हंसी आ जाती है। वो मैनेजर को बहला फुसलाकर पासवर्ड ले लेता है और तुरंत मेल भेज देता है, उसे अपना चेक मिल जाता है। वो दिवाकी से कहता है कि दिवाकी 123 जैसा सिंपल पासवर्ड इतना सेफ नहीं होता, चेंज कर देना ठीक है, और मेरा जैसा भूला बिसरा कोई आ जाए तो प्लीज उसे पासवर्ड जरूर बता दीजिएगा, ये कहकर वो चला जाता है। फिर मुश्ताक जोमन को हैंड वीवर्स के पास लेके जाता है और कहता है कि हम इन्हीं को अपना काम देंगे। कुछ दिन बाद जोमन फिर दिवाकी की कंपनी में जाकर नया ऑर्डर मांगता है पर वो कहती है कि कंपनी तुम्हें अपना ऑर्डर नहीं देना चाहती, तुम जा सकते हो। ठीक है ऑर्डर मत दीजिए पर क्या आप हंस भी नहीं सकती। अब उसके बाद सुनकर दिवाकी स्माइल करती है। अगले दिन जोमन कुछ कपड़े लेकर दूसरे शहर जा रहा होता है। तब दिवाकी आती है और दोनों साथ ही बस में जाते हैं। बातों बातों में जोमन सो ही जाता है। अचानक उठने पर बस में कोई भी नहीं होता। फिर पता चलता है कि ड्राइवर बस रोककर शराब पी रहा है और नशे में कहता है कि यह बस आगे नहीं चलेगी। सभी ड्राइवर को डांट रहे होते हैं। तभी जोमन बस की चाबी लेकर बहुत ही अच्छी ड्राइव करता है और सबको एकदम सेफ एंड साउंड दूसरे टाउन पहुंचा देता है। उसकी ये जिंदादिली दिवाकी को काफी इंप्रेस कर देती है। अब अगले सीन में जोमन फिर कुछ हैंड वीव्ड कपड़ों के साथ बस का इंतजार कर रहा होता है। तभी पेरुमाल उस तरफ आता है और कहता है कि अगली बस सुबह ही आएगी, तुम चाहो तो मेरे घर के बाहर आज रात रुक सकते हो। ये कहकर वो जोमन को अपने घर लेके जाता है और अपनी बेटी से मिलवाता है। वो और कोई नहीं देवाकी है। रात को देवाकी जोमन को चादर लाकर देती है और दोनों बहुत देर बात भी करते हैं। दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब देवाकी भी जोमन के बिजनेस में उसकी मदद करती है। एक दिन जोमन देवाकी को उसके शेयर के पैसे देता है। पहले तो वो लेने से इनकार कर देती है लेकिन फिर ले ही लेती है और कहती है मुझे पैसों की जरूरत तो है लेकिन मेरा स्वाभिमान मुझे किसी से पैसे मांगने से रोक रहा था, पर तुमसे पैसे लेने में मुझे बुरा फील नहीं हो रहा है। इस तरह वो बड़ी खूबसूरती से अपने दिल की बात जोमन को बता देती है। अब विंसेंट जोमन से उसका फेवरेट ब्रांड सिगरेट खरीद कर लाने को कहता है लेकिन जोमन हमेशा इनकार कर देता है। एक दिन वो सिगरेट का एक बड़ा पैकेट लेकर आता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि आप बहुत दिन मेरे साथ रहें, इसलिए आज तक मैं आपको सिगरेट पीने से मना कर रहा था पर आप जिद कर रहे थे इसलिए आज लेकर आ गया हूं। ये सुनकर विंसेंट को बहुत बुरा लगता है और अपने बेटे के खातिर वो सिगरेट पीना ही छोड़ देता है और फिर कभी उसको हाथ भी नहीं लगाता। एक दिन दिवाकी की कंपनी की नई क्लाइंट वहाँ आती है जो हर चीज में खोट निकालती रहती है। दिवाकी जोमन से मदद मांगती है और वो क्लाइंट को गांव भर में घुमाता है और उसको यहाँ के कल्चर की कई सारी बातें बताता है। वो ये सुनकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और उसको एक कीमती रिंग गिफ्ट करती है। इतना ही नहीं वो जोमन को एक बहुत बड़ा ऑर्डर देने को तैयार भी हो जाती है जिसे पूरा करने के लिए जोमन को कई वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। वो वीवर से बात करता है और उन्हें प्रॉमिस करता है कि अगर आप सब मिलकर मेरे लिए ये ऑर्डर पूरा करेंगे तो मैं एक महीने के अंदर आपको पेमेंट दे दूंगा। वीवर्स को उसकी बातों में सच्चाई दिखती है, वे मान जाते हैं और ठीक टाइम पर उसका काम पूरा कर देते हैं।
क्लाइंट जोमोन की प्रोडक्ट क्वालिटी से बहुत खुश होती है और उसको जल्द ही पेमेंट भी कर देती है। व्यूअर्स को उनके पैसे देकर जोमोन अपने पिता के पास जाता है और कहता है, मैंने हमारा गिरवी रखा हुआ घर वापस खरीद लिया है। अगले दिन बाप बेटा अपनी चीजें पैक करके कार में निकलने वाले होते हैं। विंसेंट को अपने बेटे पर नाज होता है और उसकी आंखें भर आती है। वो पेरुमाल और उसकी बेटी से विदा लेता है। जोमोन सबको बाय कहता है, लेकिन देवाकी से एक भी शब्द कहे बिना ही वहां से चला जाता है। विंसेंट कहता है कि बेटा, ये तुमने ठीक नहीं किया। देवाकी वहीं खड़ी थी और तुमने उसको बाय भी नहीं किया। पापा, हमारा काम खत्म हुआ और हम चले आए, इसमें इतना इमोशन होने की क्या बात है। विंसेंट को दुख होता है कि पैसे आते ही उसका बेटा बदल गया है। घर पहुंचकर विंसेंट अपने पूरे परिवार को बुलाकर एक दावत देता है, लेकिन खुद सिर्फ दलिया खाता है और कहता है, मुझे यही पसंद है। अगले दिन बाप बेटा जॉगिंग के लिए निकलते हैं। विंसेंट पूछता है कि हम हमेशा इस रास्ते से जाते हैं, आज अचानक उस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? पापा, आज कुछ अलग करते हैं। विंसेंट उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन उसके पीछे चला ही जाता है। तभी एक घर का गेट खुलता है और पेरुमाल और उसकी बेटी विंसेंट को गुड मॉर्निंग कहते हैं। विंसेंट भी गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि ये लोग यहाँ कैसे आए। पेरुमाल बताता है कि सर, ये आपके बेटे का प्लान था, वही रातों रात हमें यहाँ ले आया। अब विंसेंट बड़े प्यार से जोमोन को डांटता है कि तू सुधरेगा नहीं। ये कहकर वो जोमोन को चेस करने लगता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं ऐसी मजेदार मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।